मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जन जागरण अभियान के तहत रसना द्विवेदी द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरवौर में नशा मुक्त अभियान और छात्राओं को नारियों को उत्पीड़न मुक्त कर स्वतंत्रता दिलाएंगे। एकता में ताकत होती है और एकता के साथ किया गया प्रयास ही सार्थक होता है। इसी एकता के बल पर नगर पालिका सिरमौर की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्कूल से बाजार में रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया। नशा मुक्त बनाने के लिए पूरे गांव में भ्रमण कर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही हैं। जन जागरण महाअभियान गांव को नशा मुक्त करने के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रहा है। सिरमौर की छात्राओं को अभी उपलब्ध संसाधन व समर्थ के अनुसार आसपास के ग्रामों में सामाजिक बदलाव लाने का काम कर रही हैं। इसमें नशा मुक्त उनका मूल मकसद है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। समाज में सकारात्मक सोच के साथ युवाओं को नशा छुड़ाकर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए एक नई राह प्रदान की जा रही है। इस अभियान में छात्र छात्राओं को जोड़ा जा रहा है। महिलाएं भी अधिक से अधिक संख्या में दिनों दिन जुड़कर गाँव को नशा मुक्त बनाने संकल्पित नजर आ रही है। वहीं सहयोजिका रचना द्विवेदी ने कहा है कि आज हमारे प्रदेश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, केवल नेता लोग महिला सुरक्षित की बात करते हैं। वहीं नशे भी हमारे समाज को खोखला कर रहा है। नशे में युवा पीढ़ी पूरी तरह से ग्रसित है। सरकारें कोई भी हो अपने फायदे के लिए नशे की दुकानें घर घर खुलवा रही है। नशा से नाम खराब होता है, अपने नाम के साथ पूरे घर समाज का नाम बदनाम होता है। वहीं उन्होंने युवा भाइयों से निवेदन है कि नशा मुक्त रहे और दूसरों को भी प्रेरित करें। वहीं उन्होंने बेटी बचाओ अभियान पर भी प्रकाश डाला। वहीं बेटी बचने व नशा मुक्त पर संकल्प दिलाया। वहीं नशा मुक्त एवं महिला सुरक्षा की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। कभी किसी को गाली नहीं देंगे, बुजुर्गों असहाय की सेवा करेंगे। हम जीवन में कभी आत्महत्या के बारे में सोचेंगे नहीं। रश्मा देवी को मन वचन से अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आप सब बैठ जाएं। निवेदन है बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम आप सबके बीच में यह कार्यक्रम करा रहे हैं और आप सब हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हमारे और इसके आगे कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहेंगे, आगे भी चलता रहेगा? हाँ, बिल्कुल चलता रहेगा और जैसा आप सब चाहेंगे और हमारी समाज चाहेगी चलता रहेगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि नारी सशक्तिकरण के बारे में सभी बात करते हैं। सभी नेताएं बड़े बड़े मंचों पे हाशुर देंगे कि नारियों के लिए भी देंगे कि नारियों के लिए नारियों का कहाँ सुरक्षित है, नारियों का अधिकार नारियों को है। मैं ऐसा चाहती हूँ नारियाँ स्वतंत्र हों। जैसा हमारा भारत देश स्वतंत्र है तो हर नारी को स्वतंत्रता आज भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक नागरिक भारत में स्वतंत्र है तो फिर नारियों स्वतंत्र क्यों नहीं है, उन्हें स्वतंत्रता क्यों नहीं है, हमारी बेटियाँ आज़ाद क्यों नहीं है। घर से निकलने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। घर से बाहर गई समझ सुनने में आया, न्यूज में आया कि बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध हो गया, क्यों हो रहा है ऐसा। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहें। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल देयर।